बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत मेरे से मत बात कर यार, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूं। बात करो, जबरदस्ती से बात मत करो। सो गाइस मिल रहे हैं हम लोग आपसे एक न्यू व्लॉग में। रात के समय हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं समय? 11 बज रहे हैं। सो गाइस जीजू मतलब काफी हम लोग इवेंट से आए थे। आज हमारा इवेंट था एक बीएच कंपनी का, जो एक साथ नहीं गए सारे। इवेंट से हम लोग आए तो हम लोग सो गए थे, उसके बाद हम उठे तब से जी जब हमारी आँख खुली यहीं पे ही है वो, यहाँ बोला जब हम सो गए उठे जीजू यहीं थे, तब से हम लोग खा पी रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। और उसके बाद जीजू काफी देर से हमें फोर्स कर रहे थे, बाहर चलो जनाब, बाहर चलो जनाब। हमने कहा चले जी, अभी आप इतना बोल रहे हैं तो क्या करें। एंड आज के ब्लॉग्स पे तो कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि आप लोग साथ क्यों नहीं दिखते, आप लोग ऐसे परेशान रहते हो। इन दोनों के कलेश हो रखे थे, इन दोनों के पैचअप करवाए गाइस, और अब इसी बात पे चल रहे हैं घूमने सारे के सारे। यस ब्रो, ब्रो शी इज योर ब्रो ना? अरे उन तो कह रहा हूं। अच्छा गाइस, एंड जीजू अब बिल्कुल फिट एंड फाइन है, डार्क सूट लग रहा है ये, बोल रही है पागल है ये, क्या पहन के ये तो देखो, और ये देख वहां पे से किसी का टेंट देख के घुसेगी क्या? अरे मुझे बहुत अच्छी लग रही है जीजू, पर ठीक है, पर प्रमोशन हो जाएगा ना तो इसलिए पहन लिया। अभी चलते कोट पहन ले कुछ ऐसा, कुर्ता है पजामा, कुर्ता पजामा नहीं है, नाइट सूट है। बाकी चले मैं चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आगे आगे ब्लॉग शूट करते रहेंगे, कंटिन्यू बने रहना चाहिए। घर से सारे जने रेडी हो गए, जीजू प्रेरणा अंशु मैं ये री और पुनीत को भी रस्ते से लेंगे। एंड हम बहुत दिनों बाद पांचों आपको साथ में दिखेंगे, क्योंकि गाइस हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं अपना, पर फिर भी साथ ही रहते हैं गाइस, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं चले जाते हैं। और बाकी जीजू हमें दो चार दिन से फोर्स कर रहे थे चलने के लिए, वो प्रेरणा तब नहीं चल रही थी, आज हमने इसे उठाई है, हमने कहा तू चल के रहेगी, तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे आउटफिट के लिए क्या पहने क्या नहीं पहने। फिर प्रेरणा और मैंने सेम ट्यूनिंग ही कर ली, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें कलर का और प्रिंट का, थोड़ा प्रिंट का ही अलग है। हाँ, मेरे में फूल पत्ती है, उसके में फूल बाग है। और बाकी अभी हम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों से। ओके बाय गाइस, हमने रास्ते में से पुनीत को भी उठा लिया, और उसके बाद पुनीत हमें उठाता चल रहा है, और जीजू को फिर हम पीछे लाए हमने कि आप ज्यादा गाड़ी मत चलाया करो भाई। तो गाइस बहुत सालों बाद एक साथ मिल रहे हैं, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रही है। अच्छा आपको कैसे लग रही है? यू नॉट फीलिंग गुड? छुट्टी भरो पीछे से, दोस्त है ना, जबरदस्ती क्यों कहा, पागल हो क्या? बोल अच्छे लग रही है, अच्छा लग रही है, बोल ठीक ठीक लग रहा है, बोल लग रही है, अच्छा लग रही है, बोल। पुनीत सर आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रही है, बोल बोलना। जी गाइस अभी सबको अच्छा लग रहा है, और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, हम लोग मूर्थल जा रहे हैं, और जीजू हमें पार्टी देंगे अपने पैचअप की, है ना जीजू? ये बता रहा गाइस, बीवी मियां वाला, बीवी मियां बीबी वाले तो होश ही नहीं है इनके, अभी पैचअप और ब्रेकअप ही होते रहते हैं इनके, और ब्रेकअप होने पे दुखी हो जाते हैं, पैचअप होने पे मत बोलो। अच्छा मम्मी ने बोला अभी दोस्त बना के देख ले। अच्छा फिर अगर मान गई तो शादी भी होगी फिर दोबारा? मम्मी ने जबरदस्ती है जी, शादी भी होगी फिर? आप बस में बैठे हो क्या ऐसे पकड़ के? डर लग रही है, क्यों लग रही है? इधर घरवाली, इधर साली। अच्छा पीछे बैठने की आदत नहीं है। बीवी तो तुम्हारी घर है, तो मैं भी साली नहीं हुई फिर, मैं काहे बात की साली फिर? टू टू गर्ल्स फ्रेंड, आपने सुना है गाना जो आया, ये आ ई ई उ आ पता नहीं क्या, गाइस अवॉइड करना है, मुझे छेड़ रही है। अवॉइड 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 तो इसमें अवॉइड, इसमें अवॉइड वाली क्या बात आ गई जी? अच्छा अवॉइड मिलेगा इस बात को? हां मुझे अवॉइड मिलेगा। हां देरी है, अभी वहां जाके खाएंगे ना, बिल देंगे गाइस। दोस्त है ना, अब लड़कियों को दोस्तों को लूटती है तो गाइस लूटेगा नहीं, इन्होंने वैसे घर पे भी बोला ये खिला रहे हैं मुझे तो गाइस, फ्राइड राइस क्या है चिली पनीर अपनी गाड़ी में मेरे से। देखो मैंने खाने की बात करी थी, हाँ तो अभी हमें खिलाएंगे, और अभी हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, फिर गाइस झूला झूलूंगी, आज तो मैं मौज मस्ती करूंगी। पुनीत मन्नत हवेली, मन्नत हवेली पे लेना है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, और बड़ी देर में पहुंचे हैं यार, कब से निकले हुए थे पूरा लगा लो, बहुत देर लग गई गाइस। और हमारी आउटफिट देखो गाइस दोनों की, आपके हाथों की लकीर ये बता रही है आपको नाक बड़ी दोष है, है? नाक बड़ी दोष, आपकी नाक बड़ी। तो गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले आते ही हमने ऑर्डर किया है, पूरी बंद करो और खा पी के मिलते हैं गाइस। मैं अपने लिए कॉफी लेके आई थी, मेरा मन था कॉफी पीने का, और ये हम सारे
गाइस रात के बज गए 3:30 में भी और हम आ गए घर। जीजू कर रहे पार्क, घर जा रहे थे। मैंने कहा अब मत जाओ भाई, अब आ जाओ, अब यहीं रुक जाओ यार, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो गए, अब क्या घर जाना, कहीं भी जाओ गाइस। ये कंघी तो मेरे लिए मैंडेटरी है, इसको तो मैं भूल ही नहीं सकती बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक जगह पर 10 बार अपने बाल सेट करने होते हैं। मैं बार बार इनके ऐसे 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 लगी ही रहती हूँ। और ये हमारे गेट इस तरीके से बंद होते हैं रातों को, हमें भागने पड़ते हैं, 10-15 मिनट बाहर खड़े रहना पड़ता है, तब जाके दरवाजे खुलते हैं। और लो ना, सो लाइट जल रही है पर। मम्मा मम्मा हम गेट खोल लो। निशी वो देख दीवार पे चिपकली। ओए नोना उठी हुई है। नोना कुछ ले आओ बच्ची के लिए, कह रहे सो रही होगी। नोना मम्मा है, माची है, आप उठ गए? मैं बोल दी थी रास्ते में कुछ ले लो, नहीं सो रही है, सो रही है, सो रही है। नोना सॉरी, हम तो घूमने गए थे। मम्मी रास्ते में ये बोल रही थी, ये देखो गाइस इसकी नेल पेंट देखना, ये बोल रही थी। खाई करो, खाई करो। क्या बोला मैंने? ये बोल रही थी बाबू तो रास्ते में। ओ मैं छोड़ देगा गाइस, ये नोना देखना जीजू की मालिक। क्या बोल रही जीजू? मालिश कर रही है। क्या कर रही है? एक मिनट, एक मिनट, वीडियो देखना, ये मत देखो, मैं तो प्रूफ के साथ आई हूं। जीजू वो आई ड्रॉप डाल रही है। आप वो क्या बोल रही है? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो बन तो रही है ना। और ये क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पे? Yes, अब हम लोग आ चुके हैं घर। अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो अभी फटाफट से करेंगे कपड़े चेंज। वैसे तो ये भी नाइटी में ही टाइप है, मैं इसे भी पहन के सो सकती हूँ, बट वे मैंने पहले नाइट सूट वेयर कर रखा था, मैं वही वेयर करूँगी और उसके बाद एक बार चेंज कर लूँ। उसके बाद जीजू और अंशु और प्रेरणा, इनके लिए यार मुझे यहाँ पे अब मंजी बिछानी पड़ेगी और इनका बेड क्लीन करना पड़ेगा, वरना तो आज हमने प्लान किया था कि मंजी उधर ही बिछेगी और ये सारे हम लोग उधर ही सोने वाले हैं, पर अब फिर सारे के लिए तो स्पेस नहीं है भाई। दोनों रूम में एसी भी नहीं है, इधर है और उधर है, उधर दोनों रूम में तो नहीं है, तो इनके लिए ही मुझे बेड ठीक करना पड़ेगा यार। रात के 3 बजे मुझे इतने काम करने पड़ रहे हैं इन लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं, मैं करूँगी गाइस। चलें, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सभी के। वैसे मैं रात को अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, बट उसके बाद सुबह यार मैं रात को सो गई थी, उसके बाद मैं सुबह उठी तो वैसे काजल की हल्दी थी आज, मैंने आप लोगों को बताया था, पर मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। फिर सुबह काजल के दुनिया भर के कॉल आए, उठो भाई टाइम से आओ, इतनी सुबह बुला रही थी 8-9 बजे, मैंने कहा नहीं मैं अपने टाइम पे ही आऊँगी, और फिर भी आए 12 बजे, फिर भी स्टार्ट तभी हुआ, हाँ तो लेट हो गया आज तो सुबह से लग रहा है, फिर भी लेट। गाइज मैं अपने टाइम पे थी पूरा, और काजल अभी ऊपर गई है, बाकी मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं जो जो यहाँ पे हो रहा था। देखो मैं तो शादी में इतने मेन फंक्शन में मैं रहती नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ जो जो हो रहा था मैं काजल को देख के पूरा इन्जॉय वाइब ले रही, और हमारे हाथ पे भी हल्दी लगाई थी। क्यों लगाई थी? वो 5 कन्याओं के लगाते ना पहला, फिर लगती है छठी हल्दी उसके काजल, तो हम 5 कन्या थे ना इस बार। पैसा भी मिलेगा फिर इस बात को? नहीं 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 मिलेगा, कोई नहीं देगा। और अभी गए थे यहाँ पे, गीत हो रहे हैं और जो भी हो रहा है मैं सब आपको ब्लॉग में आगे आगे दिखाती रहूँगी। और बाकी हम दोनों ने तो येलो ही वेयर कर, ये पता नहीं क्यों अभी तक ऐसे मुंह से घूम रहे हैं। मैं तो गई उठी ना आई तैयार, सुबह से काम कर रही थी, पता है घर का क्या, अब पता लगता है कि छोटी लड़की नहीं होना चाहिए। खाना बनाया सारा, झाड़ू पोछा, ये पुए बने हैं, पूड़े बने हैं, मीठी पूड़ी बनी है, नमक की पूड़ी बनी है, फीकी पूड़ी बनी है, सब्जी पूड़ी ही बनाई है मतलब सारी, नहीं ये नेक टेक में पूड़ी बनती है ना देने लेने के लिए। अच्छा। और अब फिर गेस्ट आ रहे हैं, उनको चाय देना, नाश्ता देना, इधर भाग उधर भाग, बुलावा दे के आना सबको, रिश्तेदारों को बुला बुला के लाना, जो थोड़े रहते हैं ताऊ चाचा उनको बुलाना, फिर इन मैम को उठाना, इनको फोन करके बोलना। मेरा फोन अलमारी में बंद है। क्यों? मेरे फोन रिचार्ज खत्म हो गया, मैंने कहा मम्मी शाम को करवाऊंगी, फिर सो गया आराम से। अभी तो मुझे लग रहा है घर वालों ने ले लिया काम कर, मेरे फोन में लगी रहती है इसलिए। बाकी चलो मिलते रहेंगे आप लोगों से आगे आगे, और दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में और मिलते हैं। अभी से पानी भी पीना है? अच्छा पूरा दिन बना लें, पूरा दिन हम आगे
लोग फूल तोड़ रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं तो बता दो। अच्छा फेंकने के लिए ला रहे हो? और बाकी हमें भूख लगी थी, वैसे तो फिर मैं खाना बनाया। क्या बनाया? पूरी फीकी पूरी, पता नहीं क्या बना रही थी। पूरी मेरा मन कर रहा था कि हम चाउमीन वगैरह खाएं, बट हम पूरी भी खा रहे हैं अभी, वो भी मानो प्लेट लगा के आ रही है। और चार हमने सब लोग अंदर है, हमने बच्चों बच्चों ने अपने मंगाया था चाउमीन चिली पटेटो, मानो कोक लेने गई है, फिर आएगी फिर हम खाएंगे पियेंगे। और बाकी लोग ये गाइस काम कर रहे हैं इधर, और हम मिलते हैं आपसे। घर जा रही थी तो घर जाते ना काजल ने मुझे बताया कि उसने अपना बैग पैक किया है जो, और इसने ना बहुत अच्छी इसकी वीडियो भी बनाई है, जब भी अपलोड करेगी ना मैं आपको स्टोरी पे शेयर करूंगी, आप लोग देखना। बाकी इसने ये अभी अपना बैग पैक किया है, ये देखते हैं। चलो इसको इतने ओहो नए तोलिए वोलिए भी रखे हैं भाई साहब। साड़ियाँ तो शादी के बाद साड़ियाँ पहनेगी? साड़ी नहीं अभी गई, जिसने अपनी साड़ी वाड़ी रिमूव करके सब चेंज किया है। ये ना इसमें जैसे कि ये तो लारे सूट केस खुलता है हमारे में, उसमें से ना जो नंद होती हैं, जो भी लड़के वगैरह होती हैं ना, वो अपने आप साड़ियाँ छाट लेती हैं, हम रोकते नहीं है जो अच्छा। भी लेनी है तो इसलिए 7 साड़ी है, इनमें 2 साड़ी है मेरी नीचे की है जो मैंने। तो साड़ी ही पहनेगी रेगुलर बेसिस पे? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सूट जोड़ने के सूट भेजे, सूट भी तो रखे हैं मैंने, ये साड़ी मेरी है जो मैंने। और ये तेरे को इतना जुखाम होने वाला है जो तू इतने सारे रुमाल लेके जा रही है? ये लगाते हैं 5 कपड़े होते हैं ना। कनक बेटा देखियो कैब रुक गई घर पे, क्योंकि फिर मैं मिलूंगी इससे। मुझे ना अभी तक मैंने इसकी शादी की कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, तो मैं कल जाऊंगी अपने कपड़े वगैरह लेने, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी फिर इसके घर में थोड़ा और काम होगा, ये वो सारे खुद करेंगे गाइस। मैं बाकी मेन मेन फंक्शंस के टाइम पे आऊंगी, आप लोगों को इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स दिखाऊंगी। और मेरी कैब आ चुकी है, मैं जा रही हूं घर पे। और इसमें बाकी ये क्या है? इसमें बाकी सामान है, मेरी चप्पलें हैं और मेकअप वेकअप का सारा सामान देख रहे हो गाइस स्टेज। ओ सॉरी बाबू सॉरी। और बाकी चलो चलते हैं घर पे गाइस, बिल्कुल कैब घर के बाहर खड़ी है देखिए। तो चलो मिलते हैं, बाय गाइस। हां बड़ी तो जाना, मुझे छोड़ने आ जाओ। हो गई है लिया? हां हो गई की ली? हां मैं लाल हुई पड़ी हूं गुस्से में। क्यों? तो काम वाली आज से नहीं आई, काम वाली 3 दिन से पहले भी नहीं आ रही। हम कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, पूरा सवाल बताओ बोला तो कमरा मत ना, तो वाईफाई बता दूंगी आगे बड़ी कई स्पीड में आ गया ना कमी। तो मैं सोची थी स्कूल में कौन आत्मा घूम रही है, मुझे भी झाड़ू झाड़ू देवे ना तेरे ब्लॉग में। क्या क्या किया, क्या क्या काम किया तूने बता तो सही। दिख रही है? नाइस। नहीं दिख नहीं रहा मुझे, घर पे वापस। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मुझे मेरी कुछ वीडियो शूट करनी है, कुछ अर्जेंट है काफी ज्यादा, तो मैं एक बार वो शूट कर लूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। पहले मैं आपको ना अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। ये सूट वेयर किया था, वैसे मैंने इसे काफ़ी गंदा कर लिया है। ये इसका बॉर्डर का डिज़ाइन देखो आप, मतलब यार बहुत प्रिटी है। पैंट पे भी ये डिज़ाइन है, बहुत सुंदर स्टिच किया आंटी ने, बैक से भी बहुत सुंदर है। दिखाऊँ? देखो दिख रहा है इस, देखो मस्त है ना। आज मैंने ये वेयर किया था। मैं इसी के साथ कर रही हूँ अपने इस वाले ब्लॉग का एंड, और आपके कुछ कॉमेंट्स आ रहे थे कि दी नेल्स दिखा दो, तो नेल्स देख लो भाई। बहुत ब्लॉग पे आ रहे थे या वीडियोस पे आ रहे थे, बट कमेंट्स बहुत सारे थे कि नेल्स देखने हैं, तो नेल्स देख लो अभी। मैं बस चेंज करके नहाऊंगी, अपने कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलेंगे। एंड कल चलेंगे गाइस शॉपिंग पे, आप लोग भी मेरे साथ चलना ब्लॉग के थ्रू। और बाकी इस वाले ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। दे रही हूँ बच्ची, दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, जाने रुक तो रहो। पहले बोलो मासी को आई लव यू, बोलो मासी आई लव यू। आई लव यू नहीं किसी दो। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।